हेलो एंड नमस्ते, माय नेम इज अक्षय एंड आई वेलकम यू टू माय गिटार मेथड। आई रियली होप आप जहां भी होंगे स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। आज का जो वीडियो है ये हमारा टेक्निकल ट्यूसडे सीरीज का एक और नया वीडियो है, और हर मंगलवार हम बात करते हैं किसी ना किसी ऐसे टेक्निकल पॉइंट के बारे में जो आपकी गिटार लर्निंग को और ज़्यादा स्ट्रांग बनाती है। आज हम बात करने वाले हैं कॉर्ड्स के बारे में कि कॉर्ड्स कैसे बनते हैं, इनके पीछे का थ्योरी क्या होता है। अगर आपने थोड़ा बहुत भी पहले सुना हुआ है ट्राइड्स के बारे में तो आप एक बार 2x करके वीडियो देख सकते हैं, तो हो सकता है आपका टाइम बच जाएगा और अगर कोई नई इन्फॉर्मेशन होगी तो वो भी मिस नहीं होगी। अगर आप मेजर स्केल और माइनर स्केल के बारे में बेसिक्स जानते हैं तो इस वीडियो के बाद आपका लेवल जो है वो एक और स्टेप आगे चला जाएगा, बिकॉज यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि ओके दोनों में फर्क क्या होता है, किस तरीके से कॉर्ड्स बनते हैं। ठीक है, तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा, और उसके अलावा फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो यू कैन फॉलो मी ऑन माय इंस्टाग्राम एंड जॉइन मी लाइव इन अ डाउट सेशन। हर वीक हम लोग कोशिश करते हैं एक लाइव सेशन रखने की, जिसमें अगर आपका कोई डाउट है रिगार्डिंग दिस वीडियो और एनी अदर वीडियो जो आपने देखा है बट आपको समझ भी नहीं आया, आई कैन हेल्प यू ऑल। ठीक है, तो चलिए लेसन शुरू करते हैं एंड अपना औजार पाना लेके बैठ जाइए। ठीक है, चलो पहला पॉइंट जिससे हम लोग स्टार्ट करेंगे, दैट इज मेजर स्केल। देखिए, आपको सबसे पहले ये समझ लेना जरूरी है कि मेनली दो तरीके के कॉर्ड्स होते हैं, हालांकि बहुत टाइप के कॉर्ड्स होते हैं, उनके नाम भी मैं आपको बताऊंगा, बट अगर ये दो बेसिक कॉर्ड्स के टाइप अगर आपको पहले अच्छे से आते हैं तो आपकी जो थ्योरी है वो एक स्टेप के हिसाब से चलेगी और आप कन्फ्यूज नहीं होंगे। सबसे इंपॉर्टेंट कॉर्ड्स होते हैं मेजर कॉर्ड्स और माइनर कॉर्ड्स। अब सबसे इस वीडियो के इस भाग में मैं बात करने वाला हूँ मेजर कॉर्ड्स के बारे में। तो पहली चीज जो आपको ध्यान में रखनी है, मेजर कॉर्ड्स बनते हैं मेजर स्केल से। अब मेजर स्केल क्या होती है? मेजर स्केल म्यूजिकल अल्फाबेट के नोट्स को एक तरीके से अरेंज करने का एक तरीका होता है, एक पैटर्न होता है। वो पैटर्न बना होता है होल स्टेप और हाफ स्टेप से। होल स्टेप क्या होता है? जब भी आप किसी एक अल्फाबेट से दूसरे अल्फाबेट पे जा रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल आप ए से बी पे जा रहे हैं, तो बीच में एक और अल्फाबेट होता है जिसको हम बोलते हैं ए शार्प। अगर आप उसको स्किप करके अगर निकल रहे हैं तो वी कैन से कि ये हुआ हमारा होल स्टेप। अगर मैं गिटार में आपको एग्जांपल दूं, अगर हम फ्रेट नंबर 1 से 3 पे प्ले करते हैं तो इसको हम बोलते हैं होल स्टेप। इसी तरीके से अगर हम हाफ स्टेप की बात करें तो अगर मैं ए से ए शार्प पे जंप करता हूं तो इन दोनों के बीच में कोई नोट नहीं है, तो मैंने कुछ स्किप नहीं किया, इसको बोलते हैं हाफ स्टेप। गिटार में 1 to 2, जस्ट एन एग्जाम्पल, इट कैन बी अप्लाइड फ्रॉम एनी वेयर इन द गिटार एज वेल एज इन द अल्फाबेट। अब होल स्टेप और हाफ स्टेप की इस कॉम्बिनेशन को जब हम मेजर स्केल के लिए जमाते हैं ना, तो इसी तरीके से जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा ना, मेरे आसपास ऊपर नीचे कहीं ना कहीं दिख रहा होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 नोट्स होने वाले हैं। तो नंबर 1 पे इज W, नंबर 2 इज W, नंबर 3 इज H, देन W W W, देन H एंड देन W। अब इसका मतलब क्या हुआ कि जब 1 के नीचे जो W है वो रिप्रेजेंट कर रहा है 1 से आगे जाने वाला प्रोसेस, कि जब आप 1 से 2 जाएंगे तो आपको क्या करना है, होल स्टेप लेना है या हाफ स्टेप लेना है। बहुत सारे लोग इसलिए कंफ्यूज हो जाते हैं कि इस पे तो W लिखा है मतलब यहाँ से ले लेंगे, फिर 2 और 3 में कंफ्यूज होते हैं और 2 पे हाफ स्टेप ले लेते हैं। हमेशा ये बात ध्यान रखें कि जो W है वो रिप्रेजेंट कर रहा है आपके आगे मूव करने की जो स्टेप है उसको। तो अब इसी तरीके से जब हम C से स्टार्ट करते हैं तो वी कम आउट विथ सी डी ई एफ जी ए बी सी। सी से होल स्टेप, देन डी से होल स्टेप, ई से हाफ, देन ई से E से हाफ, देन F से होल, G से होल, A से होल एंड देन B से हाफ। तो दिस इज हाउ यू कम अप विद द मेजर स्केल। ये हमारे मेजर स्केल के नोट्स हो गए। कितने मेजर स्केल्स होते हैं? 12 मेजर स्केल्स होते हैं, क्योंकि हमारे पास 12 म्यूजिकल अल्फाबेट होते हैं। हर म्यूजिकल अल्फाबेट का एक मेजर स्केल होगा। ओके, तो 12 मेजर स्केल्स और 12 म्यूजिकल अल्फाबेट। इसी तरीके से हर मेजर स्केल का एक कॉर्ड बनता है। अब वो कॉर्ड कैसे बनता है? अगर आप मेजर स्केल का पहला, तीसरा और पांचवा, 1, 3 और 5, ये तीनों नोट एक साथ प्ले कर दे तो इसको हम कहते हैं ट्रायड, और ट्रायड का दूसरा नाम है कॉर्ड। आपको ये बात समझ लेनी है कि कॉर्ड और लीड्स में फर्क क्या है, कि लीड्स में जो साउंड्स हैं वो 1 by 1 आते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल, सॉरी, सो देवर 1 2 3 4 5 6, 6 कॉन्जिक्यूटिव साउंड्स थे जो एक के बाद एक अरेंज थे। बट कॉर्ड्स में देखा जाए तो एक साथ 6 के 6 नोट थे जो एक ही पर्टिकुलर टाइम पे ओरिजिनेट हुए हैं, तो ये सबसे बड़ा फर्क होता है। तो इसलिए इन तीन नोट्स को एक साथ प्ले करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप सी, ई और जी, जो कि मेजर स्केल का पहला, तीसरा और पांचवा नोट है, एक साथ प्ले करेंगे तो उसको हम बोलेंगे मेजर कॉर्ड, जो ये हमारा हो गया सी मेजर कॉर्ड। इसी तरीके से आप अपनी 12 जो बची हुई स्केल्स हैं उसके 12 ट्रायड्स निकाल सकते हैं, और आपको निकालने भी चाहिए। जब भी आप जो भी बेसिक कॉर्ड्स आप ओपन यूज करते हैं, जैसे जी हो गया, डी हो गया, सी हो गया,
ई मेजर हो गया, ए मेजर हो गया, इनके ट्रायड तो एटलीस्ट आपको याद होने चाहिए. इट रियली हेल्प्स यू आउट. ठीक है, उससे क्या होगा, आपको एक क्लैरिटी आएगी कि जैसे फॉर एग्जांपल जब हम बोलते हैं ना कि डी में, बहुत सारे जने मुझसे ये क्वेश्चन करते हैं कि सर आप ये क्यों बोलते हो कि ऊपर की दो स्ट्रिंग नहीं आनी चाहिए. अगर आपको ट्रायड्स के बारे में पता होगा तो डेफिनेटली यू विल नो द आंसर. इसलिए ट्राई कीजिए कि ये 12 मेजर जो ट्रायड्स हैं आपको ध्यान में हो. कोई भी डाउट रहे तो यू कैन आस्क मी ऑन माई इंस्टाग्राम. अब हम बात करने वाले हैं माइनर ट्रायड्स के बारे में. अब बात करते हैं माइनर ट्रायड्स के बारे में. जैसे मेजर स्केल बनती है वैसे ही माइनर स्केल भी बनेगी. माइनर स्केल का भी एक फॉर्मूला होगा जिसमें 1 to 8 काउंटिंग है, और उसमें जो ये W और H वाला जो अब था ना लोकेशन, वो थोड़ा सा चेंज है. जहां मेजर स्केल में हमारा H था 3 and 7 पे, अब माइनर स्केल में ये होगा 2 and 5. सो इट विल बी W H देन W W H एंड देन W W W. ओके, सो ये हमारा माइनर स्केल का पैटर्न हुआ. नॉर्मली हम लोग प्रिफर ये करते हैं कि हम लोग आपको जैसे मेजर में सी का एग्जांपल दिया, ऐसे ही माइनर में ए का देते हैं. बट मैं आपको सी का ही एग्जांपल दे रहा हूँ जिससे कि आप रिलेट कर पाएं. तो जब सी माइनर स्केल हम बनाएंगे तो इट विल बी लाइक सी डी ई फ्लैट. ओके, देन एफ जी ए फ्लैट बी फ्लैट सी. ठीक है, तो ये हो गया हमारा सी माइनर स्केल. अब सी माइनर स्केल में भी वही रूल अप्लाई करते हैं कि माइनर स्केल का पहला, तीसरा और पांचवा, दैट इज सी ई फ्लैट एंड जी. ये तीनों नोट हमने साथ में उठाए और इनको हमने बना दिया इसका ट्रायड. तो जब आप सी माइनर ट्रायड की बात कर रहे हैं, सी माइनर कॉर्ड की बात कर रहे हैं, तो ये तीन नोट्स ही हैं जो साउंड देते हैं, दैट इज सी ई फ्लैट एंड जी. ओके, तो आई होप आपको ये माइनर कॉर्ड का भी चीज जो है समझ में आ गया होगा. अब हम बात करते हैं दोनों के कंपैरिजन की, कि मेजर स्केल और माइनर स्केल में क्या डिफरेंस हुआ, ऐसे ही मेजर ट्रायड और माइनर ट्रायड में क्या डिफरेंस हुआ. तो चलिए बात करते हैं दोनों के कंपैरिजन की. हमने मेजर स्केल मेजर ट्रायड समझा, माइनर स्केल माइनर ट्रायड समझा. अब दोनों में थोड़ा सा कंपेयर करके देखते हैं कि क्या कुछ ऐसी चीज निकल सकती है जिससे कि हम और अच्छे से इनको समझ पाएं. तो जब आप देखेंगे कि मेजर स्केल, जैसे फॉर एग्जांपल इट वाज सी डी ई एफ जी ए बी सी, एंड माइनर स्केल इट वाज सी डी ई फ्लैट देन एफ जी ए फ्लैट बी फ्लैट एंड सी. तो क्लियरली आपको डिफरेंस पता लग रहा है कि देयर आर मेनली 3 नोट्स जो डिफरेंट हो चुके हैं. ई ए और बी, ये तीनों फ्लैट हो चुके हैं. तो आप ये कह सकते हैं कि जो दूसरा नोट और छठा और सातवां नोट जो है वो एक तरीके से हाफ स्टेप पीछे चला गया है. ठीक है, सेमी टोन पीछे चला गया है. अब अगर हम ट्रायड्स की बात करें तो जहां सी मेजर का ट्रायड था सी ई जी, वही मेजर सी माइनर का ट्रायड है सी ई फ्लैट जी. तो पहला और पांचवा जो नोट है, बिकॉज मेजर स्केल और माइनर स्केल में भी ये चीज देखने को मिलती है कि पहला और पांचवा नोट सेम है, पहला सी है और पांचवा जी है, सिर्फ डिफरेंस जो है वो है थर्ड नोट का और वो है हाफ स्टेप का. तो सी मेजर का ट्रायड हुआ सी ई जी, सी माइनर का ट्रायड होगा सी ई फ्लैट जी. अब ये सारे रामायण क्यों सीख रहे हैं हम, क्यों जरूरी है ये सीखना, बिकॉज अगर आप जानना चाहते हैं कॉर्ड फैमिलीज के बारे में, अगर आप चाहते हैं वो लेवल की जिसमें आपको लगे कि मैं खुद से कॉर्ड्स निकालना चाहता हूं और वो सारी चीज़ें समझना चाहता हूं, थ्योरी समझना चाहता हूं, तो ये नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है. आई होप आज के वीडियो के थ्रू आपका वो जो पॉइंट है वो क्लियर हुआ होगा. अगर नहीं है तो यू कैन जॉइन मी ऑन माई इंस्टाग्राम, दैट इज माई गिटार मेथड्स. उस पे मैं लाइव डाउट सेशन देता हूँ. अगर आपका कोई डाउट है तो यू कैन आस्क योर क्वेश्चंस देयर. और आज के वीडियोस में, आज के वीडियो में कुछ चीज़ें हैं जो मैंने मिस की हैं जानबूझ के, बिकॉज मेरे हिसाब से मेजर एंड माइनर थ्योरी इज मोर इम्पॉर्टेंट फॉर अ स्ट्रॉन्ग बेस. अगर आपका मेजर और माइनर थ्योरी बहुत अच्छे से क्लियर है, स्केल्स क्लियर हैं, कॉर्ड्स क्लियर हैं, तो इट विल बी वेरी इजियर एंड स्मूथ प्रोसेस फॉर यू कि आप समझ पाएंगे कि किस तरीके से दूसरे तरीके के कॉर्ड्स बनते हैं, सस्पेंडेड, सेवेंथ, इलेवेंथ और डिमिनिश, ऑगमेंटेड, ये सारे कॉर्ड्स भी. पर इन सबका जो बेस है ना, वो मेजर माइनर ही है. तो अगर आप चाहते हैं कि उन टाइप के कॉर्ड्स के बारे में भी मैं आपको सिखाऊं, तो हमें ज़रूर से बताइए कि इस टेक्निकल ट्यूजडे सीरीज़ में हम लोग वो कंपेयर करें या नहीं, कवर करें या नहीं. ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टाइम. तब तक कीप अप द प्रैक्टिस, कीप अप द पेशेंस. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो.